तो फिर कोई उसके ध्यान में मशवरा देता है, तो ना ठीक है जाओ यहाँ, तो एक बॉटल पानी जो आजकल 20 रुपये में मिल रहा है या 15-20 रुपये का, वो एक बॉटल पानी ला कर रखे, इस पानी के बॉटल के वजह में निकाल गया, वो खुश हो जाते हैं, हाँ मैंने निकाल किया। बताना मकसद ये कि दुनिया में पानी की किल्लत हो रही है, पानी कम हो रहा है, तुम बचाओ वरना दुनिया पानी से, यानी दुनिया से पानी खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी सोच है कि दुनिया से पानी खत्म होगा, मेरे मौला के खजाने में पानी की कोई कमी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे यानी कुओं से या हमारे बोरिंग से अगर पानी खत्म हो भी गया, यानी मीठा पानी खत्म हो गया, तो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि समंदरों को मीठा बनाते हैं, और समंदरों से अल्लाह अपनी अपने बंदों को पानी अता फरमाए। तो बहरहाल ये पानी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये सारी चीजें सोना चांदी पेट्रोल डीजल फला ढिका, ये सारी चीजें जमीन के अंदर मौजूद है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन कितनी मौजूद है हमें नहीं पता। कितनी मौजूद है ये किसी ने आज तक नापा नहीं है, माप नहीं किया कि कितनी मौजूद है। अब ये इसकी तादाद को भी अल्लाह जानता है, कितना सोना चांदी हीरा कितने हीरे कोयला और कितनी यानी कि जमीन के खजानों में कितनी चीजें पोशीदा है। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिसे अभी तक इंसान ने जाना ही नहीं, वो धीरे धीरे निकल रही है, भाई लोहा तांबा पीतल ये सब निकल चुका, लेकिन कुछ और कहते भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हो सकता है कि जमीन से निकले आइंदा हमारी नस्लें वो खोज निकाले कि भाई एक नई था नई जाति है नहीं था, और वो बड़े खुश हों कि देखो हमारे बाप दादाओं को तो पता भी नहीं था कि ये था भी जमीन के अंदर है, है ना, हमने ढूंढ निकाली। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में भी जानता है, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म वो इतना वसीअ है, तो इल्म भी है और खबर भी है। खबर ये कि बातिन की सारी खबरें हैं, जो कुछ हो चुका जो होगा और जो कुछ नहीं हुआ और जो नहीं होगा, अल्लाह वो सब जानता है, अल्लाह वो सब जानता है। हमें तो ये नहीं पता कि क्या नहीं हुआ है और क्या कभी नहीं होगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह जानता है कि क्या नहीं हुआ है और क्या कभी नहीं होगा, क्या कभी नहीं होगा ये भी अल्लाह जानता है, क्या हो चुका है और क्या होगा अल्लाह ये भी जानता है, क्या हो रहा है वो भी और क्या आइंदा मुस्तकबिल में होगा ये भी। मिसाल के तौर पर ये हमारे बाप दादाओं ने मोबाइल देखा भी नहीं था सुना भी नहीं था, मोबाइल कंप्यूटर टीवी ये सारी चीजें उन्होंने देखी भी नहीं और सुनी भी नहीं और तब तक बनी भी नहीं थी, इंसान को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऐसे कोई डिवाइस बनेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन आसमान पैदा नहीं किए थे उससे पहले से अल्लाह को पता है कि मोबाइल आने वाला है, टीवी आने वाला है, फ्रिज आने वाला है, वॉशिंग मशीन आने वाला है, अल्लाह को पहले से पता है। ये सारे डिवाइस आज हमारे टच स्क्रीन, पहले तो बटन वाले मोबाइल थे और फिर उसके बाद टच स्क्रीन आए, तो हमें बाद में पता चला जब वो चीज पैदा हो गई तो हमें पता चली कि इस तरह से भी चीजें होती है। अल्लाह पहले से जानता है, अल्लाह का इल्म अज़ली है, कब से जानता है उस कब की कोई इब्तिदा ही नहीं, कोई शुरुआत नहीं, उसका इल्म अज़ली है, वो हमेशा हमेशा से जानता था और जानता है कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है, लोग कैसे कैसे पैदा होंगे अल्लाह वो भी जानता था, क्या क्या चीजें बनाएंगे और कौन बनाएगा ये भी रब जानता था, इसलिए कि वो चीजें जिन्होंने बनाई हैं उनके दिमाग में अल्लाह ही ने डाली है, उनके दिमाग में अल्लाह ही ने डाली। तो अल्लाह के इल्म और हमारे इल्म में, हम भी इल्म वाले अल्लाह के इल्म वाला, लेकिन हमारे और अल्लाह के इल्म में इतना बड़ा फर्क है कि वो पहले से सब कुछ जानता है, हम उसके बाद जानते हैं, बनने के बाद जानते हैं या तजर्बे के बाद जानते हैं। हमने जब तक यानी फिजाओं में कोई गया नहीं था तब तक हमें पता नहीं था कि चांद पर पहुंचा जा सकता है, जब तक कोई ऊपर गया नहीं था तब तक पता नहीं था कि वहां कैसी कैसी फिजाएं हैं। एक फिजा ऐसी भी आती है कि जहां से गुजरो तो आदमी जल जाए या जो भी चीज हो वो जल जाए, और ऊपर फिजा में ऐसा यानी एक ऐसी फिजा भी है कि ऐसा यानी कि एक ऐसी खला है कि जहां हर चीज जम जाए,
हर चीज जम जाए और फिर उसके ऊपर और जाए तो ऑक्सीजन कम हो जाए, खत्म हो जाए। और इंसान अगर ऑक्सीजन के नहीं जी सकता, ये सब चीजें इंसान को बाद में पता चली, अल्लाह को पहले से पता है। तो इंसान अल्लाह के इल्म ही से, अल्लाह का पता इल्म अता फरमाता है, इंसान जानता जाता है, इंसान को पता चलता जाता है और फिर उससे वो नई नई चीजें ईजाद करता है, नई नई चीजें बनाता है। तो ये अल्लाह के इल्म, अल्लाह का इल्म अजली है, हमारा हादी से पहले हमें नहीं पता था, फिर पता चला। और हमारा इल्म चीजों के पैदा होने के बाद होता है या तजर्बों के बाद होता है, अल्लाह का इल्म उन चीजों के वजूद और तजर्बों से भी पहले का, वो पहले से सब कुछ जानता है। इसी तरह अल्लाह के इल्म में इतनी वसातें और इतनी अजमतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर हरकत करने वाली चीज की हरकत को जानता है, हर ठहरने वाली चीज के ठहराव को जानता है। यानी अभी मैं हरकत में हूं, मैं हिल रहा हूं, तो अल्लाह मेरी हरकतों को जानता है। और कोई चीज पड़ी हुई है, जैसे एक पत्थर एक कंकर पड़ा हुआ है, वो हरकत नहीं कर रहा, अल्लाह उसके सुकून को भी जानता है। दरख्त से जो पत्ता, ये हवाओं से जो पत्ते हिलते हैं, अल्लाह उनकी हरकतों को भी जानता है। और ये पत्ता जब से पैदा हुआ और दरख्त पर जब तक रहेगा, वो कितनी बार हिलेगा, कितनी बार हिलेगा, अल्लाह उसकी तादाद को जानता है। और ये पत्ते यानी कि दरख्त जो है वो कितना ऑक्सीजन बनाएंगे, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, अल्लाह इसे भी जानता है। एक इंसान, वैसे सारे इंसानों के बारे में जानता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितनी गिजा खाएगा, कितनी निकालेगा और कितने उसके एंड कितनी गिजा से खून बनेगा, कितना लीटर खून बनेगा, उसकी रगों में कितनी रफ्तार से खून चलेगा और पूरी जिंदगी में वो कितना लीटर खून यूज करेगा, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह का इल्म इतना वसी और वो ऐसा अलीम और खबीर मौला है। अब यानी कि वैसे तो मिसाल देते चले जाए और आप गौर फिक्र करते जाए तो आप अल्लाह के इल्म की वसातों का इहाता नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। हम सोचते चले जाएंगे तो हम ये बातें बढ़ती चली जाएगी, पूरा दिन रात निकल जाए फिर भी ये बातें यानी खत्म नहीं होगी कि अल्लाह का इल्म कितना है। लेकिन ये इन मिसालों से आप समझें कि अल्लाह कितना अलीम और खबीर है। अब ऐसी जात, अल्लाह अलीम और खबीर जात है, वो हर चीज जानता है, वो हमारे दिल में आने वाले वसवसे, हमारे दिमाग में आने वाली बातें, हमारे ख्यालात को जानता है। तो जो रब हमें जरूरतों में भी जानता है, जब हम साहिर में बैठे हैं तब भी हमें जानता है, हमारे हाल को जानता है, जब हम खलवत में हो, तन्हाई में हो, तब भी अल्लाह हमारे बारे में जानता है। अब जब वो अल्लाह अलीम व खबीर है, ये बात और ये यकीन हमारे दिल में अगर जम जाए और बैठ जाए तो फिर हम खलवतों में भी जलवतों में भी अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाएंगे। कि हमारे दिल में ये एहसास पैदा होगा, जब भी हम कोई बुरा काम करेंगे हमारे दिल में ख्याल आएगा मेरा रब मुझे देख रहा है। अभी देखें ना, आप तरावी की नमाज में देखेंगे कि कुछ लोग सफे आखिरी की जो सफ लगती है ना, तो कुछ लोग उधर लगाते हैं, कुछ लोग उधर लगाते हैं कि वो दो पंखे जो बड़े लगाए हैं उनकी ठंडी हवा उधर आती है और इधर खिड़कियां तो अच्छी हवा इधर आती है, बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नमाज ही नहीं होती, वो पूरी सफ की नमाज नहीं होती, सफ कतार हो जाती है तो नमाज ही नहीं होती। लेकिन वो बंदा ये नहीं जानता कि ये गर्मी जो यहाँ हम यहाँ पहली सफ में खड़े होते हैं, बेचारे जो दूसरी तीसरी सफ में खड़े होते हैं, जो खिड़कियों की तरफ नहीं, यहाँ बीच में हैं, उनके यानी कि उन्हें गर्मी इतनी हो रही होती, पसीना बह रहा होता है। लेकिन कभी उसे ख्याल आया, वो यानी खड़ा है और गर्मी लग रही है, पसीना बिल्कुल बह रहा है, कभी उसे ये ख्याल आया कि एक वक्त वो आएगा कि मुझे कब्र में डाला जाएगा, तो फिर कब्र के अंदर ना एसी होगा, ना पंखा होगा, ना बड़ा पंखा होगा, ना छोटा पंखा होगा, ना दीवार का पंखा होगा, ना छत का पंखा होगा, वहां खिड़कियां भी नहीं होगी। अगर आमाले सालेहान ना हुए तो फिर वहां तारीकी होगी, वहां अंधेरा होगा, वहां पर आग होगी, वहां गर्मी ही गर्मी होगी। जब हमसे दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो फिर हम कब्र की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे। और फिर कब्र के बाद जब हमें उठाया जाएगा तो हम आज तो जमीन मिट्टी की है, सूरज चौथे आसमान पर इतना दूर है और वो भी उल्टा है, उसकी गर्मी उल्टी है, यानी कि उल्टी तरह
तब से वो गर्मी दे रहा, तब इतनी गर्मी महसूस हो रही है, तो सोचो कयामत के दिन सूरज सीधा होगा, उसकी सारी गर्मी जमीन की तरफ होगी, जमीन तांबे की होगी और वो हमारे सर पर समान नेजे पर होगा, यानी एक नेजा जो नेजा आता है ना हाइट भर का, यानी कंधे के बराबर का एक नेजा होता है, ऐसे समान नेजे पर जैसे पंखा है वैसे सूरज होगा, और इतनी हाइट पर सूरज होगा हमारे भेजे खोल रहे होंगे, हम पसीनों में डूब रहे होंगे, उस गर्मी का आलम क्या होगा, उसका हाल क्या होगा, हम कुल सिरात से गुजरेंगे, नीचे जहन्नम होगी, भड़कती दहकती हुई जहन्नम होगी, उस पर कुल सिरात होगा, उस पर से गुजरना होगा, तो उस वक्त हमारी गर्मी का आलम क्या होगा। तो अगर बंदा ये ख्याल और तसव्वुर करे, वो अलीम खबीर मौला मुझे देख रहा है, आज मैं यहाँ अल्लाह के लिए गर्मी बर्दाश्त करूंगा और उसके लिए मैं सब पे खड़ा रहूंगा, अपनी नमाज दुरुस्त करूंगा, तो अल्लाह मुझे कब्र की गर्मी से बचाएगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आखिरत की और कयामत की गर्मी और फिर सिरात की गर्मी से बचाएगा। अगर ये तसव्वुर कर ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है कि मैं उसके लिए गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं उसके लिए गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मेरा पसीना बह रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मौला के लिए, अपने रब के लिए, जब ये तसव्वुर होगा तो फिर बंदे को नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर उसे नमाज गर्मी में, आप सोचें यार सहाबा की नमाज को देखें, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इन जासमों पर इन आरिनों पर सजदा करते हैं तब भी वो एहतियात में रखते हैं, हल्का सा सर रखते हैं कि यार ये जो यहाँ इस पर जो जर्रे और कचरा गिरा हुआ है इसमें बाल भी होंगे कचरा भी होगा, ये हमारी नाक और मुंह के जरिए अंदर ना जाए, और उन्हें घीन सी आती है यार सब कचरा पड़ा हुआ है, इन जासमों पर जो बारीक बारीक से कचरे पड़े होते हैं उससे घीन आती है, और कभी मिट्टी में नमाज पढ़नी पड़े तो हल्के से सर नाक ऐसे रखते हैं जो बिल्कुल टच भी ना हो, हल्का सा ही लगे, ज्यादा ना लगे, कपड़े संभाल रहे होते हैं, सहाबा को देखें कि वो यानी छप्पर अल्लाह के रसूल की मस्जिद जो है वो खजूर के दरख्तों के पत्तों के छप्पर की थी, बारिश बरसता तो पानी मस्जिद में गिरता, और जमीन भी टाइल्स नहीं थी, यानी कि संगमरमर नहीं था, टाइल्स नहीं लगी थी, वो तो मिट्टी वाली जमीन थी, तो अब पानी बरसता अंदर पानी गिरता तो कीचड़ होता, सहाबा उसी कीचड़ में अपनी नाक और अपनी पेशानी रखते थे, सहाबा उसी कीचड़ में सजदे किया करते थे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। दूसरी बात कि ये कचरों से तुम घबराते हो, तुमने सोचा नहीं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब के लिए आजिज़ी इनके साथ और तवासों के तौर पर अपने आप को बिल्कुल सलील कर दूं, मौला ये तो कचरा है, इससे ज्यादा खराब अगर गंदी जगह हो तब भी तेरे लिए मैं अपनी पेशानी जमीन पर रखने के लिए तैयार हूं। अगर ये तसव्वुर करे बंदा, ऐ मौला सिर्फ तेरे लिए, तेरी रजा के लिए, सहाबा इकराम की यानी अल्लाह के रसूल की जो मस्जिद नबवी थी उसमें हमारी तरह दरवाजे नहीं थे, वो खुली मस्जिद थी, तो कुत्ते, अहदीस में आता है कि कुत्ते, मदीने के कुत्ते अंदर आ जाते, अंदर घूमते फिरते थे, और जब सहाबा आते तो भाग जाते थे, या कोई आता तो भागते, तो ये कुत्ते अंदर आकर बैठते थे, उनके पैर उनका धूप और पता नहीं क्या क्या लगता होगा उस मिट्टी में, और उसी मिट्टी में जहाँ कुत्ते घूमे फिरे थे वही सहाबा इकराम सजदे किया करते थे, जब तक यानी ये ना पता हो कि वहां कुत्ते का धूप लगा है, ये पता ना हो तो फिर जमीन पाक है, उसे यानी कि नापाक नहीं होती, तो ऐसे मकाम में भी सहाबा ने ये नहीं सोचा कि यार यहाँ कुत्ता घूमा होगा, मैं वहां अपना सर रखूं, अपनी पेशानी और अपनी नाक रखूं, मेरा मुंह उसके करीब हो जहां कुत्ता घूमा फिरा या बैठा होगा, तो रात पर कुत्ते बैठते और सहाबा उसी में सजदे करते, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि यहाँ कुत्ते घूमे, उन्हें तो सिर्फ एक एहसास था मैं अपने रब का सजदा कर रहा हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है, वो मेरे दिल के हालात को भी जानता है, वो मेरे दिल की कैफियतों को भी जानता है। तो बंदा अल्लाह को आलिम व खबीर जानकर फिर इबादत करेगा तो फिर इंशाअल्लाह उसके सारे तसव्वुरात साफ सुथरे हो जाएंगे और वो गुनाहों से भी बच जाएगा, वो यानी कि बंदा हमेशा हर जगह, चाहे वो लोगों के साथ हो चाहे वो तन्हाई में हो, हमेशा उसे ये तसव्वुर रहेगा मेरा रब मुझे देख रहा है। वो यानी कि बड़ा मशहूर वाकया है कि एक औरत अपने चचा के लड़के के पास, चचा साहब भाई के पास आई,
اور آ کر اس نے کہا کہ میں یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور بڑے فخر فاقہ چل رہے تھے بچوں کے لیے, وہ کچھ رقم لینے کے لیے آئے کہ کچھ دے دو, مدد کر دو, میرے بچے بھوکے ہیں کئی دن سے, تو کچھ دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا, لیکن ایک میری شرط ہے, میرے ساتھ تجھے سونا ہوگا, میرے ساتھ تجھے بد کا یعنی برا کام کرنا پڑے گا, زنا کرنا ہوگا. وہ اس عورت نے دیکھا کہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے اور بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اس نے پیسے دیے اور وہ کمرہ اندر سے بند کیا. جب عورت کے قریب آیا تو اس نے کہا, عورت نے کہا اے چچا صاحب, اے یعنی کہ اے شخص, اے فلاں, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ جیسے ہی اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈر, وہ پیچھے ہٹ گیا, وہ پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا تو پیسے دے اور تو جا, میں تیرے ساتھ کوئی برا کام نہیں کروں گا. اور پھر جب وہ گفا میں, یہ حدیث میں آیا پورا واقعہ, جب وہ غار میں پھنس گیا تھا, غار میں رات میں تین لوگ آرام کر رہے تھے اور آگے جو ہے بڑی سی چٹان آ گئی, تو ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے دعا کی. تو اس بندے نے یہ دعا کی تھی, اے مولا میں نے اس عورت نے جب میری وہ چچا صاحب بہن نے مجھ سے کہا کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا, تو اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈر, تو اے مولا میں اس سے دور ہٹ گیا اور میں نے اسے ایسے ہی پیسے دے دیے. اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا تھا تو چٹان ہٹا دے. تو چٹان ہٹ گئی, یعنی کہ وہ اس نے اللہ کے لیے کام کیا تھا, اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے. تنہائی میں بھی ہم جو ہمارے دلوں میں خطرات آتے ہیں, جو ہم کام کرتے ہیں, جو بولتے ہیں, ہم بولیں یعنی ہمارے دل میں یا دماغ میں بات آئی, ہم اسے زبان بنائیں, اس سے پہلے رب کو پتا ہوتا ہے, اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خیال آیا. لیکن اللہ ایسا رحمان و رحیم ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے, ابھی تو اس نے صرف سوچا ہے, ابھی تو صرف سوچا ہے, تب تک اس کا گناہ مت لکھنا جب تک یہ کام نہ کر لے, جب تک یہ کر نہ لے تب تک لکھنا مت. فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے. لیکن وہی ہم نیکی کا خیال دل میں آتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا, یہ فلاں نیکی کا کام کروں گا, رب فرماتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں لکھو. اس سے یہ جیسے ہی نیکی کا ارادہ کرے, نیت کرے, سوچے, تم اس کی نیکی لکھ لو, پھر عمل کرے تو ڈبل لکھنا. صرف سوچا تو لکھ لو اور جب عمل کرے تو پھر ڈبل لکھنا. لیکن جب اس نے نیت کی اور ارادہ کیا تو لکھ لو. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں اور اچھے اچھے ارادے کریں تاکہ اللہ ہماری نیتوں پر بھی, وہ ہم واقف ہے, جانتا ہے, تو ہماری نیتوں پر بھی ثواب عطا فرمائے گا, اور جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے عمل پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. الخبیر قرآن پاک میں 45 مرتبہ آیا اور علیم بہت مرتبہ آیا, بہت کثرت کے ساتھ علیم تو آیا ہے اور الخبیر 45 مرتبہ آیا. اور علیموں کا وظیفہ یہ ہے کہ جس بندے کا دماغ کمزور ہو وہ 40 دن تک روزانہ فجر یعنی نہار کو یعنی کہ کچھ کھائے پیے بغیر صبح سویرے پانی پر 21 مرتبہ یا علیموں پڑھ کر دم کرے اور اس پانی کو 40 دن تک پیے, یعنی 40 دن روزانہ کی عمل کرنا ہے اور روزانہ پانی پر دم کر کے پینا ہے, تو انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اور اسی طرح جس کا نفس بڑا سرکش ہو گیا ہو, اس کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو, وہ گناہوں کی طرف مائل ہو گیا ہو, وہ بندہ یا خبیر ہو اگر کثرت کے ساتھ یا خبیروں کا ورد کرے تو اس کا نفس اس کے قابو میں آ جائے گا, اس کا نفس اس کے زیر اثر ہو جائے گا اور بندہ گناہوں سے بچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.